नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की खबर के साथ, क्योंकि आपसे कुछ ही देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अपना पहला भाषण दिया। हृदय नारायण दीक्षित को विधानसभा स्पीकर चुना गया है। इसी मौके पर वो भाषण दे रहे थे। योगी ने कहा कि 22 करोड़ की जनता की उम्मीदों पर उन्हें खरा उतरना है। विपक्ष से जनहित के मुद्दे पर सहयोग की उन्होंने उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि जनता के हित के लिए उन्हें फैसले करने हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आश्वासन भी योगी आदित्यनाथ ने दिया। एक मार्गदर्शक भूमिका के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने में सफल होगा। आपको अध्यक्ष के रूप में पाकर के हम सब आश्वस्त हैं कि आपके संरक्षण में इस सदन का प्रत्येक सदस्य और खासतौर पर जो हमारे चुने गए नए सदस्य हैं, एक बड़ी संख्या में हमारे सदन में नए सदस्य आए हैं जिनकी संख्या 253 के आसपास है। इन नए सदस्यों को भी सदन में अपनी प्रतिभा का को रखने और साथ साथ हमारे वरिष्ठ सदस्यों के अनुभव का लाभ प्रदेश की 22 करोड़ जनता को प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से यह अवसर आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से बिना किसी लॉन्ग अपडेट के, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक सदस्य को प्राप्त होगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। विधानसभा में संबोधन से पहले आज योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक ली और सभी को यह ताकीद दी कि वो थानों और पुलिस अधिकारियों के साथ दबंगई बिल्कुल ना करें। कहा यह गया कि विधायकों को जो सरकारी आवास मिला है उसी में वो रहें, आवास को लेकर कोई दबंगई ना की जाए, जैसा भी आवास मिले उसी में साधारण तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता रहें, आवास को ज्यादा सजाने और सवारने पर खर्च ना करें। ये तमाम हिदायतें योगी आदित्यनाथ की तरफ से विधायकों को दी गई है। आवास को लेकर कोई दबंगई ना की जाए, जिस तरह का आवास मिला है उसी में रहें, सादा आचरण रखें, जिस तरह की सजावट वहां पर है उसी का इस्तेमाल करें, अतिरिक्त सरकारी खर्च ना करें, बंगले की सजावट में सरकारी आवास को ज्यादा सजाने सवारने पर खर्च ना किया जाए। विधायक जी, ये बताइए कि अंदर क्या क्या हुआ है, क्या कहा गया है विधायकों को, किस तरीके से? उत्तर प्रदेश में जो बहुमत आया है उसको भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है उसके अनुसार सभी को रहना है, और जिस प्रकार से पिछली सरकारें अनावश्यक रूप से लाल बत्तियाँ हूटर लगा के चलती रही हैं उस पर रोक लगाई जाएगी, और जो जिनको आवास अलाट हुए हैं उन्हीं आवासों में सब लोग रहेंगे। आज हम लोगों को बहुत ही सकारात्मक ढंग से माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया है और कहा है कि सबको शालीनता पूर्वक काम करना है, सबको क्षेत्र में रहना है, क्षेत्र की समस्याओं से सबको अवगत होना है और उन समस्याओं पर सबको निराकरण करा के काम करना है। सबसे ज़्यादा तो सबसे पहली प्राथमिकताएं ये तय हुआ है कि जनता की अपेक्षाओं को अपनी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के हिसाब से हमें जमीन पर उतारना है। कार्यपालिका के साथ व्यवहार की शुद्धता, आचार की शुद्धता और व्यक्ति की शुद्धता के साथ आप सामने जाइए, उनके साथ संयम के साथ काम करिए।